टेस्टी है। कहाँ मिले तुम्हें? तालाब वाले रास्ते पर मिले। क्यों बच्चों, क्या चल रहा है? हम बस ये बेर खा रहे थे। तुम लोगों ने सांचा बेर खाए हैं। सांचा बेर? इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम लोगों ने अगर कोई झूठ बोला तो तुम्हारे कान बड़े हो जाएंगे। क्या? घबरा क्यों रहे हो? हम बस तालाब की तरफ जाने की सोच रहे थे। अगर किसी को मेरी जरूरत हो तो मैं अंदर ही हूँ। जैसा अप्पा ने कहा, झूठ बोलने पर तुम्हारे कान सच में बड़े हो गए। हाँ मुझे पता है, पर बस हमें इस दौरान झूठ नहीं बोलना है। और उससे भी जरूरी, गुरुजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो मीना, तुम गुरुजी की फेवरेट मिठाई लेकर आओ। उन्नी अम्मी, जैसे कि तुमने कहा था, तुम लोग कार्ड बनाओ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कार्ड बनाने वाला हूँ। उन्नी, याद रहे आज के दिन तुम्हें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अम्मी, तुम्हें उन्नी पर नजर रखनी होगी। ये है गज हस्ती का आशीर्वाद जो आज तक सिर्फ मुझे मिला है। ये गज हस्ती कौन है? गज हस्ती जादुई जंगल के रक्षक माने जाते हैं। वो हर साल गज मेला में सब लोगों को आशीर्वाद देने आते हैं। इसका मतलब वो इस साल भी आएंगे? वो पिछले 2 सालों से गज मेला में नहीं आ रहे। कोई नहीं जानता इसका कारण, है ना अप्पा? लेकिन गुरुजी, उनके ना आने का क्या कारण हो सकता है? आज कोई उन्हें ढूंढ कर उनसे पूछ सकता। क्या आइडिया दिया है शाम? ख्याल अच्छा है, कोशिश करके देख लो। तो अंधेरा भी हो रहा है और बच्चों को निकले काफी समय भी बीत चुका है। मुझे एक काम याद आया, मैं बस अभी वापस आया। अप्पा की शर्त याद है ना बीनू? शायद हमें मंदिर वापस चले जाना चाहिए। मेरी नाक चमक रही है। गुरुजी ने कहा था ये हमें रास्ता बता सकते हैं। क्या आप हमें जंगल के बीचों बीच वाले तालाब तक का रास्ता बता सकते हैं? अका, मुझे वापस जाना है। मिलकर उसे पकड़ नहीं सकते? वो ऐसे ही कलरीपुरम को डरा नहीं सकता।
लगता है इन्हें नींद में चलने की आदत लग गई है। हमें इन्हें इनके कमरे तक पहुंचाना होगा, वो भी बिना जगाए। डरावना अग्नि, तुम सब चैन की नींद सो जाना, मैं रात भर कलरीपुरम के चक्कर काटूंगा। गजहस्ती। ये भी नहीं। मेरी प्यारी छमछम, 2 साल पहले जब गजमेला से वापस जंगल की ओर आ रहा था, तब मेरी छमछम रास्ते में कहीं गिर गई। कहीं ये वही गहना तो नहीं जो हमने गुरु वीटा के पास देखा था? गजहस्ती, आपकी खोई हुई छमछम वापस लाने के लिए हम आपकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए। सच्ची? मुची। अरे मेरी लाठी कहाँ गई? गजहस्ती, आप? ये आखिर मुझे अपनी छमछम वापस मिल गई। चलिए गजहस्ती जी, पूरा कलरीपुरम आपके स्वागत के लिए तैयार है। फूल लेकर आना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, ये काम सिर्फ रागा ही कर सकता है। हम सबको अंधेरा होने से पहले उन फूलों तक पहुंच जाना चाहिए। क्यों ना हम ऐसा करें, जो भी सबसे ज्यादा फूल इकट्ठा करेगा उन्हीं के फूलों का हार उत्सव में चढ़ाया जाएगा, क्या कहते हो? चलो, आखिर किसी ने तो दिमाग का इस्तेमाल किया। इन चिल्ले पिल्लों को भी अभी गायब होना था। उन्नी अम्मी प्रैक्टिस के लिए तो कभी लेट नहीं आते, कहाँ गए होंगे? वो तेरी डाटी, सड़क भी बिल्कुल सुनसान थी, मैंने देखा दूर से सड़क की एक लाठी टिमटिमाती लाइट के नीचे से गुजर रहा था, जिसके 2 पैर तो थे पर ना था कोई चेहरा। कलरीपुरम में भूत है? भूत भूत कुछ नहीं होता, किसी ने देखी है, इसमें कुछ तो सच्चाई होगी ना मीना। ओफो, अरे रुको, हमें उस डरावने आदमी का पता लगाना होगा, वो भी आज रात। क्या?